the bass on the track. On my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple miles all around with the hate in the cap. हे क्लैशर्स, प्रिडैक्स हियर। स्वागत है आप सभी का क्लैश ऑफ क्लैंस के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, कि आप लोग भी परेशान है सुपरसेल आईडी नॉट रिसीव्ड वाली प्रॉब्लम से, यानी आप लोग यहां पे अपना अकाउंट लॉग इन कर रहे हो बट वहां पे ओटीपी आपके जीमेल पे सेंड नहीं किया जा रहा है। वेल, इसके मैं 3 सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आपकी प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व होने वाली है किसी ना किसी एक तरीके से। तो इन तीनों सॉल्यूशन को देख लेना। जो लास्ट वाला सॉल्यूशन है ना, वो 99% चांस में वर्क करेगा, लेकिन उससे वो थोड़ा डिफिकल्ट है और उसमें काफी ज्यादा झंझट है। इसलिए पहले मैं आपको इजी सॉल्यूशन बता देता हूं, पहले उन्हें ट्राई करना। मे बी आपका इजी वाले सॉल्यूशन से फिक्स हो जाए। मेरा तो भाई हमेशा इजी वाले सॉल्यूशन से फिक्स हो जाता है। वेल, इन केस अगर इजी वाले से आपका नहीं फिक्स होता तो आप लोग लास्ट में देखना हो जो सबसे बेस्ट तरीका है भाई अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सबसे पहले जानते हैं गाइस यहां पर ये प्रॉब्लम होती क्यों है। अगर आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाओगे तो यहां पर साफ-साफ मेंशन है भाई कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो यहां पे आप देख सकते हो हेल्प विद वेरिफिकेशन कोड। यहां पे उन्होंने मेंशन किया भाई कि आपको वेरिफिकेशन कोड कभी-कभी क्यों नहीं मिलते हैं, एंड बेसिकली उसके यहां पे सॉल्यूशंस क्या हैं, एंड बाकी यार क्यों ऐसा होता है कि आपको ओटीपी नहीं मिलता आपके जीमेल पे। तो आप यहां नीचे आओगे, यहां पूरा मेंशनड है। तो यहां पे देखो, इन्होंने एक बात बोली, कभी-कभी गेम की तरफ से प्रॉब्लम होती है या फिर आपके जीमेल के अंदर कभी-कभी स्पैम फोल्डर में चले जाता है या फिर कभी-कभी और कुछ आपके जीमेल पे इशू होती है। तो आपको मैं बताने वाला हूं गाइस यहां पे स्पैम फोल्डर क्या सीन है, एंड आप लोग अपने जीमेल पे जो इश्यूज हैं, जो ट्रैश वगैरह बढ़ जाता है तब आप लोग कोई भी जीमेल रिसीव नहीं कर पाते हो, वो कैसे फिक्स करना है, ये दोनों तो आपको बता ही दूंगा। अगर इसके बाद भी आपका सॉल्यूशन वर्क नहीं करता ना, तो फिर आपको मैं एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दूंगा जो कि 101% वर्क करेगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहां पे अपने जीमेल ऐप पे जाना है, इसको यहां पे होल्ड करके रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाना है। सभी एंड्रॉइड में सेम प्रोसीजर है। यहां पर आपको देखने को मिला क्लियर डाटा, किसी के में क्लियर कैचे भी दिखता है तो सीधा क्लियर कैचे पे आपको करना है। ऊपर दो ऑप्शन आएंगे, क्लियर डाटा मत कर देना गलती से, क्लियर कैचे करना है, ठीक है। क्लियर कैचे करते भाई आपके ऐप में जितनी भी ट्रैश फाइल्स है सब कुछ यहां पे क्लीन हो जाएंगी, एंड फिर आपको यहां पे ओटीपी वगैरह आने लगेगी। अब देखो, मैंने यहां पे वापस लॉग इन करने का ट्राई किया और मेरे को तो ओटीपी मिल चुकी है, बिकॉज मैंने ये जो क्लियर कैचे किया इससे मेरा काम बन गया, हमेशा मेरा ऐसा बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नहीं आया मतलब, तो 101% आपका यहां पे स्पैम फोल्डर जो आपको दिख रहा है यहां पे तो आ गया होगा स्पैम फोल्डर। ये 3 वाली जो लाइन है इस पर क्लिक करके आप स्पैम फोल्डर चेक कर सकते हो। तो ये स्पैम फोल्डर भी देख लिया कीजिए, क्या पता आप यहां पर क्लियर कैचे कर दो, उसके बाद भी आपको अगर कोड नहीं मिल रहा है तो 101% स्पैम फोल्डर में ही जाता है। अब गाइज, अगर आपके स्पैम फोल्डर में भी नहीं गया क्लियर कैचे, तो मैं आपको बताने वाला हूं अल्टीमेट सॉल्यूशन, जिससे आप लोग यहां पे अपना क्या बोल सकते हो, रीसेट कर सकते हो वेरिफिकेशन कोड का, मतलब जो आने वाला वहां से प्रोसीजर होता है। एंड रीसेट करने के बाद जैसे आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देते हो तो सारी इश्यूज फिक्स हो जाती है ना, तो ऐसी भाई आप प्रोसेस को रिस्टार्ट कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी इश्यूज फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस, यहाँ पे ओटीपी या फिर वेरिफिकेशन वाले कोड वाली प्रोसेस को रीस्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने अकाउंट का यहाँ पे जो है टैग ले लेना है। अब मैं फॉर एग्जांपल किसी का भी ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। मैंने टैग ले लिया, टाउन हॉल लेवल चेक कर लेना है, क्लैन का नाम पूरी अच्छी तरीके से देख लेना है, एंड बेसिकली और 2-3 चीज़ें पूछते हैं वो उसी टाइम पे आप लोग डाल देना, ठीक है, अकाउंट नेम, क्लैन नेम वगैरह वगैरह। इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे मोर सेटिंग्स में, नहीं सॉरी, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है। हेल्प एंड सपोर्ट में आपको यहाँ पे नीचे एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखेगा राइट साइड के बॉटम में, तो इसमें आप लॉस्ट अकाउंट पे जा सकते हो, मैसेजेस में जा सकते हो। और इसके बाद आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना भाई, ये करना है। तो गाइस, जब आप ऑटोबॉट को अपना टैग वगैरह देते हो एंड पूरी डिटेल्स देते हो अपने अकाउंट की, और वहां पे बोलते हो मेरा अकाउंट लॉस्ट हो चुका है सुपरसेल आईडी से, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट को एक बार पूरी तरीके से चेक करते हैं। वहां पे उसकी जो क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैंने जीमेल का क्लियर कैचे किया ना, तो सुपरसेल वाले अपनी तरफ से टाइप ऑफ बोल सकते हो, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि क्लियर कैचे कर देते हैं। तो ये बेसिकली इस प्रोसेस को करने से क्या होता है कि ये रीसेट हो जाती है यहां पे वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस, एंड ऑलमोस्ट सारे यहां पे जितने भी कोड्स हैं, जितने भी जीमेल्स आते हैं सुपरसेल तरफ से, वो आपके इस वाले अकाउंट के लिए टोटली रीसेट हो जाएंगे। एंड फिर इससे क्या होगा पता है, इससे क्या होगा, आप कोई भी फ्रेश यहां पर लॉगिन करने का ट्राई करोगे तो आपको तुरंत एक नया जीमेल ओटीपी मिल जाएगा। तो गाइस, आपका अकाउंट लॉस्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये प्रोसेस करना जरूरी क्यों है, इससे होता क्या है। तो भाई, जब भी आप अपना यहाँ पर ये वाली प्रोसेस करते हो ना लॉस्ट एन अकाउंट वाली, तो यहाँ पे जब आप ऑटोबॉट को यहाँ पे सिंपल आंसर्स देते हो अपने अकाउंट के बारे में, तो भाई वो जब चेक करते हैं यहाँ पे आपके अकाउंट की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है ना भाई, वो रीसेट हो जाती है, मतलब वो एकदम से कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। एंड इसलिए भाई ये प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 99% लोगों की प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी, अभी देखो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो पूरा प्रोसेस कैसे, आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, अपने अकाउंट का यहाँ पर टैग डालना है, फिर आपको क्लैन का नाम डालना है, टाउन हॉल लेवल डालना है, सिंपल है भाई, ये तो कर ही दोगे आप लोग। एंड इसके बाद बस यहाँ से आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब लाइक ऑटोबॉट से भाई कि मेरा अकाउंट वापस दे दो, आपके पास तो ऑलरेडी आपका अकाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ एंड कन्वर्जेशन कर देना है, फिर बैक कर लेना है सीधा, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई कि यहाँ पर प्रोसेस बीच में छूट भी जाएगी, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, कोई मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आपका जो प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे वो भी रीसेट हो जाएगी, मतलब जितने भी आपके सुपरसेल अकाउंट में इशूज हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, मतलब जब भी आप ऐसा करते हो ना, तो भाई ये ओटीपी वगैरह वाली सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक तरह से रिस्टार्ट हो जाती है।
जाती हैं, आपका सुपरसेल अकाउंट बैकग्राउंड में रीस्टार्ट टाइप का हो जाता है। तो इससे जैसे आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट करते हो आपकी सारी इशूज सॉल्व हो जाती हैं, ऐसी भाई ये भी काइंड ऑफ वैसे ही वर्क करता है। ये मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पर आप सोच समझ के देखिए इसे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप लोग यहाँ पर अपने सुपरसेल आईडी को फिक्स कर सकते हो जो उसमें कोड वगैरह नहीं आ रहा है। तो गाइस ये थे अपने तीन तरीके जिससे आप लोग अपने सुपरसेल आईडी वेरिफिकेशन कोड जो नहीं आ रहा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर स्टिल इनकेस अगर आपको अभी भी ओटीपी नहीं मिल रहा है तीनों प्रोसेस को कंप्लीटली मतलब ट्राई करने के बाद, तो भाई आपको सुपरसेल एजेंट से बात करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोग सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, अपने जीमेल से ही सुपरसेल की यहाँ पे जो हेल्प एंड सपोर्ट वाला जीमेल है उस पर मैसेज करिए, वो रिप्लाई करते हैं विद इन अ डे। तो उनसे बात करिए भाई, वो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे जो शायद आपके अकाउंट में प्रॉब्लम हो उनको पता होगा, क्योंकि इन तीन के अलावा यहाँ पर कोई ऐसी मतलब आप अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट या फिर सुपरसेल एजेंट से कैसे ना कैसे बात करनी पड़ेगी। ऑटो बॉडी भी आप किसी में कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अब वैसे जो मैंने आपको तीन सॉल्यूशन बताया इसे सबका सॉल्व हो जाना चाहिए, अगर किसी का नहीं हो रहा तो भाई आपका यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा इशू है तो आपको यहाँ पे एजेंट से बात करनी पड़ेगी सुपरसेल के। एंड उसके लिए आपको अगर यहाँ पे नहीं पता है कैसे काम करता है तो आप लोग थोड़ा इसका रिसर्च वगैरह कर लीजिएगा, आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगे काफी सारी। तो वेल गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो मैं मिलूंगा आपको एक और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप क्लैशिंग, पीस आउट।